वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन क्लास 11, और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपल्स की। समझते हैं इंपल्स को इस पैराग्राफ में एनसीईआरटी से। वी समटाइम्स इनकाउंटर एग्जांपल वेयर अ लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोड्यूसिंग अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो हम जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि जब हम क्या करते हैं, एक बैट्समैन है, बैट्समैन जब बॉल को हिट कर रहा है तो एक उसका जो बैट है इतना ज़्यादा फोर्स लगा रहा है बॉल पे बहुत छोटे टाइम के लिए, ठीक है, फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉल के मोमेंटम में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इसी को इंपल्स बोलेंगे, जब लार्ज फोर्स लगता है बहुत छोटे टाइम के लिए और वो चेंज मोमेंटम कॉज करता है, दैट इज द इंपल्स। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बॉल हिट्स अ वॉल एंड बाउंसेस बैक, द फोर्स ऑन द बॉल बाय द वॉल एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम व्हेन द टू आर इन कॉन्टेक्ट, इफ द फोर्स इज लार्ज इनफ टू डिजर्व द मोमेंटम ऑफ द बॉल, ठीक है। तो ये बॉल को भी अगर हम बाउंड्री में किसी वॉल पे हिट थ्रो करते हैं तो उससे भी क्या हुआ, जो बॉल है वो क्या कर रही है, वो बॉल बॉल पे एक फोर्स लगा रही है, ठीक है। पहले बॉल फोर्स लगा रही है वॉल पे, और इन रिटर्न अभी थर्ड लॉ में भी देखेंगे, इन रिटर्न बॉल बॉल पे भी फोर्स लगा रही है, ठीक है। ये फोर्स टाइम ऑफ इम्पैक्ट बहुत कम है, ठीक है, लेकिन फोर्स इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से क्या होगा, मोमेंटम में बहुत ज़्यादा चेंज कॉज हो रहा है, ऑब्वियसली बॉल रिटर्न होके आ रही है, ठीक है। तो इतना रिवर्स कर दिया उसकी मोमेंटम, इतना ज़्यादा है फोर्स, ठीक है। ऑफन इन दिस सिचुएशन द फोर्स एंड द टाइम ड्यूरेशन आर डिफिकल्ट टू असर्टेन सेपरेटली, ठीक है। तो क्योंकि टाइम इंटरवल इतना कम था, ठीक है, तो हम उसको सेपरेटली इन दोनों को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। हाउएवर द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम विच इज़ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स अ मेजरेबल क्वांटिटी। तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं लेकिन इस चीज़ को, जो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, ठीक है, फॉल का मोमेंटम कितना चेंज हुआ उसको हम मेजर कर सकते हैं, और उसके थ्रू ये क्वांटिटी मेजर हो सकती है, इस क्वांटिटी को, इस प्रोडक्ट को, फोर्स और टाइम की जो प्रोडक्ट है उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। तो इम्पल्स क्या होगा, फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन, और वो इक्वल होगा चेंज इन मोमेंटम के। A large force acting for a short time to produce a finite change in momentum is called a impulsive force. तो अगर एक बहुत large force लग रहा है बहुत छोटे time के लिए और जिससे finite change in momentum cause हो रहा है उसको हम impulsive force बोलते हैं। In the history of science, impulsive forces were put in a conceptually different category from ordinary forces. तो जो impulsive force है, जो large force time छोटे time के लग रहा है, इनको हम डिफरेंट कैटेगरी में रखते हुए हैं ऑर्डिनरी फोर्सेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज नो सच डिस्टिंक्शन, इंपल्सिव फोर्स इज लाइक एनी अदर फोर्स एक्सेप्ट दैट इज लार्ज एंड एक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में उसको ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, इनको भी हम ऑर्डिनरी फोर्स जैसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसकी बात करिए इम्पल्स की, और नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बात करेंगे अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।